वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। अब तो तैयारियां हो रही हैं, ढेर सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो अभी सबसे रिसेंट में जो आने वाला फेस्टिवल है वो हमारा रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन में डे टाइम है, भाई बहन के प्यार का है, भाई बहन के अच्छे से रिश्ते जो खटपट होती है, नोकझोंक होती है वो उनका है। बहनें अपने भाइयों से ढेर सारे पैसे लूटेंगी राखी बांध के। तो बस डे मेकअप मैंने सोचा जो एक सिंपल इजी मेकअप करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि फेस्टिवल के दिन हमें और भी काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। एंड जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इतनी देर तक रेडी हों। तो फटाफट रेडी होने के लिए मैंने एक ड्रेस डाली हुई है और ये ड्रेस मैंने ली थी अमेज़ॉन से, काफ़ी अच्छी है। तो बस चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एक रक्षाबंधन मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इस पर यूज़ करूँगी प्लम का टोनर। मैं चीज़ें वेस्ट नहीं करती हूँ, टोनर मैं ज़्यादातर अपने हैंड से ही लगाती हूँ ताकि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की जगह मैं यूज़ करूँगी ममाअर्थ का विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को पहले भी मैंने बताया बहुत अच्छा है, थोड़ा ही लूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्किन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा फैलता है, तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। इसको लगाने के बाद ना स्किन में एक अलग सी चमक दिखती है। एंड अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी, डे टाइम है, सनस्क्रीन मिस नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो मैं ममाअर्थ की सनस्क्रीन लगाऊंगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सनस्क्रीन पूरा लगाया करूँ नेक तक। मैंने पूजा की थी तो ये टीका लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इतना कर लेने से फेस काफ़ी ठीक लगता है। और इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी माई ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का, लैक्मे एक्सप्रेस का प्राइमर। अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन सुगर का, स्टिक फाउंडेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने सोचा था शायद इतना अच्छा ना हो, बट काफ़ी लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन मैं लाई थी उसी दिन ये गिर गया था, मेरे से ब्रेक हो गया था। दूसरी साइड में इसमें ब्रश दे रखा है बट मैं इसका ब्रश ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ करूँगी इसे, बहुत सॉफ्ट है ब्रश, अगर आप यूज़ करोगे ना धीरे धीरे। ऑल टाइम फेवरेट, मेरा मिरर भी फेवरेट है। बहुत टाइम लग जाएगा इससे। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसके बाद कंसीलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन लग गया, अब हम लगाएंगे कंसीलर। मेबलिन का है, अब हम एक मेकअप सेटिंग पाउडर से अपना मेकअप सेट करेंगे। मेरे पास सेटिंग पाउडर है सुगर का लूज पाउडर, और अब मेरा मेकअप बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं आऊँगी अपनी ब्रो पे। आईब्रो के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट की पेंसिल, जिससे मैं अपनी आईब्रो को एकदम नेचुरल शेप दूँगी। डे टाइम है, बहुत हैवी मेकअप शायद इतना अच्छा ना लगे, जो मेरा नेचुरल शेप है आईब्रो का पहले मैंने उसको दिया। उसके बाद बहुत हल्के हाथों से मैं इसको सिर्फ फिल करूँगी, एकदम नेचुरल मैंने सिर्फ फिल किया है। और अब सेम वही प्रोसेस में बहुत आईब्रोज़ को बहुत नेचुरल शेप देने की कोशिश करो, बहुत वैसा कि शेप दे दूँ वो मत करो, अच्छा नहीं लगता वो ज़्यादा। मैंने कोई शेप नहीं दिया है, जो मेरा थोड़ा सा खाली था उसको सिर्फ भर दिया, बट मुझे थोड़ी सी ना आईब्रो चौड़ी लग रही है तो मैं इनको थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करूँगी।
आईब्रोज जो होती हैं ये हमारे फेस को ना पूरा बताती हैं, थोड़ा एक अलग सा लुक दे देती हैं। तो बहुत अच्छे से थोड़ा सा टाइम आईब्रोज में दे दिया करो, बेसिक मेकअप में थोड़ा कम दे दो। एंड दैट्स इट, आईब्रोज इज डन। यस, मुझे लग रहा था बहुत चौड़ी हो गई, बट ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा शुगर का लूज पाउडर जो थोड़ा हाईलाइट करता है। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आईज के नीचे एरिया को, क्योंकि जो आई मेकअप करूँ उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नीचे आता है वो रिमूव हो जाएगा। आईज के लिए मैं एक पैलेट मैंने मंगवाया था पर्पल से, और ये पैलेट टूटा हुआ आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब टूटा हुआ था, मैंने कैसे कैसे घर पे किया वो मैं ही जानती हूँ। एंड अब इसमें से ये थोड़ा सा पिंकिश करना है, बट बहुत ज़्यादा डे लुक है तो बहुत ज़्यादा हैवी ना वो कलरफुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लाइट ही बनाऊंगी। काफ़ी सब रसम लिया इसके लिए, बेस मैं दूंगी शुगर से इसमें से। अब मैं एक सिंपल सा ब्रश लेगी, पहले जो आईज के नीचे गिरा हुआ है इनको हटाऊंगी, रिमूव करूंगी, पाउडर ब्रश लेगी। रिमूव हो गया। और अब इसके बाद सिर्फ इसमें मैं एक ग्लिटर का है मेरे पास, फेस ब्यूटी का मैंने आपको दिखाया भी था, ग्लिटर है, इसको सिंपल ग्लिटर यूज करूंगी। हाथ से जल्दी से सेट करना है फिंगर से, नहीं तो फिर ये ड्राई होने के बाद नहीं सेट होता है। ऐसा लगता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, बट बिल्कुल बराबर है, पता नहीं कैसा लग रहा है। फिंगर को हमेशा अंदर की तरफ करना है। यस, डन। और अगर आपको ऐसा फील हो कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो बस एक ट्रिक अपनाना, जो मैं बता रही हूँ आपको, ट्रिक ये करना है, जो आपने शेप लिया था ना उसी शेप को लेकर आपको जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करना है। वैसे लग ज़्यादा रहा है बट है नहीं इतना, नहीं एक पतले से ब्रश से लोअर लेफ्ट से लोअर लेस पे अच्छे से लगाना है। बस अब इसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। अच्छा, आज मैंने एक नया आईलाइनर मंगाया था, लैक्मे का है ये, मैंने यूज तो नहीं किया है बट इसका बहुत अच्छा रिव्यू मैंने देखा है, तो मैंने सोचा क्यों मैं इसको ट्राई करूं। और आज फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज कर रही हूँ, सुना है बहुत अच्छा है। ब्रश ना बहुत अच्छा नहीं है, मैं लाइनर जल्दी बहुत थिक नहीं लगाती क्योंकि मेरी आंखें इतनी बड़ी नहीं है, और बाहर की तरफ तो मैं विंग लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, मुझे लगता है मेरे फेस पे ना सूट नहीं करता। इसका ब्रश ना बहुत ही ज्यादा खराब है। आई थिंक डन, आई मेकअप डन होने के बाद ऐसा लगता है कभी कभी कि पूरा मेकअप ही कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कि आई मेकअप बहुत टफ सा लगता है बट अच्छा लगता है यार, पूरा फेस ना आईज की वजह से ही बहुत अच्छा लगता है। एंड ओके, पकपक बहुत हो गई, अब मैं ये यूज़ करूँगी। नो, मेरे पास दो मस्कारा हैं ऑप्शन में, मैं दिखाती हूँ आपको, वन इज़ मेबलिन, वन इज़ शुगर, तो आज मैं शुगर का ट्राई करूँगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसी में बाहर नहीं, अगर आप मस्कारा बहुत अच्छे से लगा लो ना तो आपको फॉल्स लेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मैं बहुत रेयरली कभी लगाती हूँ तो लगाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि अगर आप मस्कारा अच्छे से लगा लेते हो ना तो नीड ही नहीं है आपको। आपको पता है मैं सिर्फ लिक्विड मस्कारा और लिक्विड लाइनर क्यों लाइक नहीं करती हूँ, जस्ट अ रीज़न, लिक्विड लाइनर को जब आप बहुत अच्छे से लगाते हो ना तो बस ये एक ही ज़रूर होती, और आज मैंने ईयरबड्स भी नहीं लिया है।
ओके पक बहुत करने लगती हूँ मैं। ओके अब मैं यूज करूंगी, मस्कारा हो गया सब कुछ, आई मेकअप बिल्कुल डन हो गया। एक चीज रह गई आई मेकअप में जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, मैं एक व्हाइट काजल से ना आंखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहती हूँ। जो लिक्विड गया था उसकी वजह से आंखों में बहुत पानी आ रहा है। और अब मैं यूज करूंगी माई नायका का टूइंग मडकिट है जिसमें से मैं कॉन्टोर लूंगी, और कॉन्टोर ब्रश, कोई स्पेशल ब्रश नहीं, नॉर्मल सा ब्रश है जिसमें से मैं कॉन्टोर लूंगी। थोड़ा सा अच्छे से करने से गाल पतला सा लगता है। आपकी जो ये बोन होती है इसको हाईलाइट करना है ताकि फेस थोड़ा सा पतला दिखे शार्प। और इसी से ना आप जो थोड़ा सा फाउंडेशन आपके हेयर्स में लग जाता है और बुरा लगता है इसी से आप सेट किया करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब बाल में फाउंडेशन लग जाता है ना तो व्हाइट व्हाइट सा लगता है जो कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद मेरी मोस्ट फेवरेट ट्रिक आप लोग को पता ही है, मैं अपना जो शुगर का हाईलाइट वाला पाउडर है ना उसको लूंगी, फेस को पतला दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, फैट कम हो ना हो फेस को पतला तो बना ही लेंगे। अब ब्रश से नीचे की तरफ फिर पतले हम, अब एक ना कट आ जाता है जिससे लगता है कि शायद हम मोटे कम हैं। और अब मैं यूज करूंगी ब्लश जो कि मेरा मेबलिन का है, फिट मी का है, ब्लश ब्लश करना है। और अब मैं अपना ब्लश वाला ब्रश लूंगी, एक्स्ट्रा रिमूव करूंगी स्माइल, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना है। पिंक पिंक नोज काफी क्रेज में आजकल। एंड अब मैं हाइलाइटर का एक ब्रश लूंगी और वही नायका वाले किट से हाईलाइट करूंगी। डन, अब लास्ट जो बचता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल टाइम, ये एक ऐसा पार्ट है इसके बिना हर मेकअप अधूरा है, लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक। ये लिपस्टिक दिखते दूसरे कलर की रही है, शुगर की है, बट ये है रेड, सॉरी मजेंटा पिंक विद मिरर। लिपस्टिक भी डन हो गई। और अब एक बिंदी, इंडियन लुक है, इंडियन फेस्टिवल है, इंडियन लुक है तो बिंदी इज मस्ट। आई डोंट नो सेंटर में है कि नहीं बट मैंने लगा लिया, आई थिंक सेंटर में ही है। एंड अब इसके बाद माय ऑल टाइम फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट इयररिंग है ये, बहुत लाइट वेट है ये, कोई हैवी नहीं है कि ईयर्स में पेन हो रहा हो, नो बहुत हैवी। आप बाल खोल लो ना तो लुक तो वैसे ही भी आ जाता है मुझे लगता है। और गले में कुछ नहीं मुझे पहनना है, मैंने चेन डाल रखी है वही रहेगी क्योंकि इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और डे लुक है, रक्षाबंधन लुक है, कोई वैसा नहीं है। हाँ बट इंडियन लुक है तो मैं चूड़ियाँ डालूंगी, पहले तो मैंने सोचा था एक हाथ में बैंगल्स एक हाथ में वॉच, बट टोटल रक्षाबंधन लुक है तो चूड़ियाँ ही डालूंगी। अब मैं आप लोग को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और बहुत इजी मेकअप किया है, इससे ज़्यादा इजी मेकअप नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा इजी मेकअप है, फटाफट वाला मेकअप है। वीडियो बनता है तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि शायद वीडियो लंबा है, मेकअप में बहुत टाइम लगता है, जब आप फटाफट करते हो ना आपको वीडियो नहीं बनाना है, किसी से बात नहीं कर रहे हो तो वीडियो बहुत सॉरी मेकअप बहुत जल्दी हो जाता है। यही मेकअप मैं रक्षाबंधन के दिन खुद करूँगी और फटाफट हो जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, एकदम प्योर इंडियन लुक, बैंगल्स और इयररिंग्स, मैंने गले में जो गोल्ड चेन डाल रखी थी वही डाल रखी है, मैंने उस सेट नहीं चेंज किया क्योंकि रक्षाबंधन लुक है, कोई वैसा व्रत का लुक नहीं है कि बहुत हैवी क्रिएट करो, इसलिए मैंने सिंपल और ईजी मेकअप डाला है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना
और कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ और वीडियो बनाओ, आप लोग लाइक कर रहे हो तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।